गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास फोर्थ सब्जेक्ट साइंस चैप्टर टेथ एंड माइक्रोब स्टार्ट करेंगे। सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स नोट डाउन कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट टेथ एंड माइक्रोब्स। सबसे पहले हम जान लेते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ टेथ के बारे में। जो हमारे दांत होते हैं वो हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं और इनका क्या महत्व होता है, हम वो सब इसमें पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। टीथ आर वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फेस। तो हमें पता है जो दांत होते हैं वो हमारे फेस के लिए, हमारे मुंह के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। दे प्रोवाइड शेप टू आवर फेस। दांतों की वजह से ही हमारे फेस को एक सुंदर शेप मिलती है। वी आर एबल टू स्पीक प्रॉपरली बिकॉज ऑफ टीथ। और दांतों की वजह से ही हम साफ स्पष्ट बोल पाते हैं। दे हेल्प अस टू कट बाइट एंड च्यू द फूड। ये दांत जो हैं वो हमारी मदद करते हैं खाने को काटने के लिए, चबाने के लिए। सो दैट इट कैन बी डाइजेस्टेड ईजिली। ताकि वो जो खाना है वो ढंग से, अच्छे तरीके से, पूरे तरीके से डाइजेस्ट हो सके, पच सके। दे ऑल्सो एनेबल अस टू स्माइल ब्यूटिफुली। और जो दांत होते हैं उन्हीं की वजह से हम लोग अच्छे तरीके से स्माइल कर सकते हैं। नाउ कम टू द सेकेंड टॉपिक, सेट्स ऑफ टीथ। देयर आर टू सेट्स ऑफ टीथ इन ह्यूमन बींग्स। जो इंसान होते हैं उनमें जो दांत हैं वो उनके दो सेट होते हैं। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ अपीयर्स द अराउंड द एज ऑफ 6 मंथ। जो पहले सेट होता है दांतों का वो कब आना शुरू हो जाता है, लगभग जब छोटा बेबी होता है 6 महीने का, तभी उसके जो है पहले सेट के दांत आने शुरू हो जाते हैं। और ये जो पहले सेट होते हैं टीथ के, उनको हम मिल्क टीथ भी कहते हैं और टेम्परेरी टीथ भी कहते हैं। टेम्परेरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमेशा के लिए नहीं रहते हैं, कुछ समय के बाद ये टूट जाते हैं। द मिल्क टीथ स्टार्ट टू फॉल वन बाई वन। जो ये, इनको हम दूध के दांत भी कहते हैं, ये एक एक करके टूटना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट है सेकेंड सेट ऑफ टीथ स्लोली टेक्स द प्लेस ऑफ द मिल्क टीथ। जब हमारे दूध के दांत टूट जाते हैं तो उनकी जगह पर कौन से दांत आ जाते हैं, सेकेंड सेट। दिस टीथ रिमेन टिल ओल्ड एज। जब हम बूढ़े हो जाते हैं तब तक ये दांत हमारे रहते हैं, कौन से, सेकेंड सेट। इन्हीं सेट को हम बोलते हैं परमानेंट टीथ। ठीक है, अगर हमारे ये वाले दांत टूट जाते हैं तो फिर इसके बाद हमारे जो थर्ड सेट है वो नहीं आता है, क्योंकि इंसान जो होता है उसके पास सिर्फ दो ही तरह के जो है टीथ आते हैं, एक तो मिल्क टीथ और सेकंड है परमानेंट टीथ। एक जो एडल्ट पर्सन होता है, जो बड़ा व्यक्ति होता है, उसके टोटल कितने दांत होते हैं, 32 परमानेंट टीथ। नेक्स्ट टॉपिक है काइंड्स ऑफ टीथ। दांतों के प्रकार, कितने प्रकार के हमारे दांत होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ परमानेंट सेट ऑफ टीथ इन अ एडल्ट। जो एक बड़ा व्यक्ति होता है उसके जो है 4 तरह के परमानेंट दांत होते हैं। सबसे पहला है इंसीजर। पहला टाइप क्या है दांतों का, इंसीजर्स। द फ्रंट टीथ आर कॉल्ड इंसीजर्स। जो हमारे सामने वाले दांत होते हैं, जब हम अपना मुंह खोलते हैं जो बिल्कुल हमारे सामने वाले दांत होते हैं उन्हें हम इंसीजर्स कहते हैं। ये टोटल 8 होते हैं। दे हेल्प इन कटिंग एंड बाइटिंग द फूड। ये खाने को काटने के लिए मदद करते हैं, मतलब जब हम खाना मुंह में लेते हैं तो सबसे पहले जो कटिंग का काम करते हैं वो कौन से दांत होते हैं, इंसीजर्स। सेकेंड टाइप है टीथ का केनाइन। केनाइन जो होते हैं वो पॉइंटेड शेप के होते हैं, मतलब पॉइंट इस टाइप की इनकी शेप होती है। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, तो ये देखिए ये है हमारे इंसीजर्स और ये देखिए केनाइन। तो ये देखिए इसका क्या बन रहा है, पॉइंटेड टीथ है ये। ठीक है, मतलब कि एक पॉइंट पर जा करके ये खत्म होते हैं, पैने पैने दांत होते हैं ये। ठीक है, एंड प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ इंसीजर्स। और जो इंसीजर्स होते हैं उनके साइड में ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इंसीजर्स जो होते हैं उनके दोनों साइड, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी ये प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए ये जो सामने वाले दांत हैं 1, 2, 3, 4, दीज आर कॉल्ड इंसीजर्स। और इनके साथ में जो है देखो, दिस वन एंड दिस वन, दीज आर केनाइन। ठीक है, नेक्स्ट दे आर 4 in number। ये टोटल कितने होते हैं, 4 होते हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे। दे आर यूज फॉर टीयरिंग फूड। ये किस काम आते हैं, खाने को फाड़ने के काम आते हैं। समझ आया। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा प्रीमोलर्स। व्हाट आर प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स आर फ्लैट एंड वाइड टीथ विच हेल्प इन क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग द फूड। प्रीमोलर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्लैट, मतलब कि बिल्कुल प्लेन होते हैं, समतल होते हैं। और ये चौड़े चौड़े दांत होते हैं जिनका काम क्या होता है, खाने को क्रश करने का और ग्राइंड, पीसने का। ठीक है, दे आर 8 in number। ये टोटल कितने होते हैं, 8 होते हैं, इनकी संख्या 8 होती है।
नेक्स्ट लास्ट वन दैट इज मोलर्स। जो मोलर टेथ होते हैं वो कौन से दांत होते हैं? दे आर वाइडर एंड स्ट्रोंगर देन प्री मोलर्स। ठीक है, ये चौड़े होते हैं और बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं प्री मोलर्स के मुकाबले में। दिस टीथ ऑल्सो हेल्प इन क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड। इनका काम भी सेम होता है जो प्री मोलर्स का होता है, ये भी खाने को पीसने में मदद करते हैं। देयर आर 12 मोलर्स इन ऑल। टोटल मोलर्स कितने होते हैं? 12 होते हैं। आई होप आप सबको क्लियर होगा चारों तरह के जो दांत होते हैं, काइंड्स ऑफ टीथ, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर एंड मोलर। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ अ सिंगल टूथ। देखो टिथ वर्ड जो है वो प्लूरल होता है और टूथ वर्ड का मतलब होता है सिंगल, एक दांत। उसके स्ट्रक्चर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखो आप लोगों को यहाँ पर फिगर भी दिखाई दे रही है सिंगल टूथ की। लेट्स स्टार्ट। द अपर पार्ट ऑफ द टूथ दैट वी कैन सी इज कॉल्ड द क्राउन। जो जैसे ही हम अपना मुंह खोलते हैं, जो हमें जो है सामने वाला जो भाग दिखाई देता है दांतों का, मतलब ऊपरी हिस्सा जो दांत एक दांत का होता है जिसको हम देख पाते हैं, उसको बोलते हैं क्राउन। ठीक है, ये जो क्राउन है इसके ऊपर एक हार्ड लेयर होती है। ठीक है, एक हार्ड कवरिंग होती है और उस कवरिंग को बोलते हैं इनेमल। क्या बोलते हैं कवरिंग को? इनेमल। और बेटा जो ये इनेमल होता है ना, ये हमारी पूरी बॉडी का सबसे सख्त वाला भाग होता है, मतलब कि हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी इज कॉल्ड इनेमल। अब बोन लाइक हार्ड सब्सटेंस कॉल्ड डेंटाइल इज प्रेजेंट बिलो द इनेमल। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया, जो हमारा सबसे सामने वाला जो भाग होता है दांत का उसको हम बोलते हैं क्राउन, और क्राउन के ऊपर एक हार्ड लेयर होती है उसको बोलते हैं इनेमल। ठीक है, अब जो ये इनेमल होता है उसी के नीचे क्या प्रेजेंट होता है? एक बोन होती है, बोन की तरह एक हार्ड सब्सटेंस होता है जिसको बोलते हैं डेंटाइन। ठीक है, जैसे हड्डी होती है ना, हड्डी कैसे होती है? टाइट होती है, मजबूत दिखाई देती है हमको। जब हम टच करते हैं तो हमें हड्डी और मसल्स में फ़र्क समझ में आता है ना, तो जो हड्डियाँ होती हैं वो कैसी होती हैं? हार्ड सब्सटेंस होती हैं। तो वो हार्ड सब्सटेंस यहाँ पर कौन सा मौजूद है? डेंटाइन, एनामल के बिल्कुल नीचे। इसका काम क्या होता है डेंटाइन का? ये हमारे दांत को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सहारा देता है। देयर इज अ सॉफ्ट पार्ट कॉल्ड पल्प प्रेजेंट इनसाइड द डेंटाइन। अब जो ये डेंटाइन होता है, बोन लाइक पार्ट जो होता है, इसके अंदर एक सॉफ्ट पार्ट भी मौजूद होता है जिसको हम बोलते हैं पल्प। इट हैज़ नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। इसमें जो है नसें होती हैं और ब्लड वेसल्स होती है, खून की नलियाँ होती हैं। द लोअर पार्ट ऑफ द टूथ विच रिमेन्स फिक्स्ड इन द जॉ। जो हमारा जबड़ा होता है उसके अंदर दांत का जो नीचे वाला भाग जो गड़ा हुआ होता है, मतलब टाइटली जो पकड़ के रखता है हमारे जबड़े में, उसको हम बोलते हैं रूट। क्या बोलते हैं उसको? रूट। जैसे कि जड़ होती है प्लांट्स की, ऐसे ही हमारे जो मसूड़े जो होते हैं उसमें क्या मौजूद होती है? रूट मौजूद होती है, और उस रूट के अंदर जो है हमारा जो दांत है वो गड़ा हुआ होता है। तो देखिए जैसे आपको फिगर में यहाँ पर इजीली विजिबल है, देखिए दिस पार्ट इज कॉल्ड क्राउन, दिस पार्ट इज कॉल्ड रूट, दिस इज एनेमल एंड दिस इज डेंटाइन, दैट इज बोन लाइक स्ट्रक्चर। नाउ बोन डेंटाइन के अंदर क्या मौजूद होता है? पल्प, सॉफ्ट सब्सटेंस। दीज आर गम्स, मसूड़े जो आपको दिखाई देते हैं पिंक पिंक कलर के, हमारे दांतों के नीचे मौजूद होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड गम्स। दिस इज बोन, रूट कैनाल, नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। नाउ आई होप इट्स क्लियर टू यू स्ट्रक्चर ऑफ सिंगल टूथ। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज टूथ डिके। टूथ डिके का मतलब क्या होता है? दांतों का सड़ना। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। वॉट इज टूथ डिके? टूथ डिके इज द डैमेज ऑफ द हार्ड आउटर लेयर ऑफ टूथ द एनेमल। तो देखो टूथ डिके हम किसे कहते हैं? जो हमारे दांत जो होता है उसके जो बाहर की जो लेयर होती है एनेमल जिसे हम कहते हैं, जब वो सड़ना शुरू हो जाती है, डैमेज हो जाती है, वो ख़राब हो जाती है, तो हमारा टूथ डिके शुरू हो जाता है, दांत भी सड़ना शुरू हो जाता है। ये किस वजह से होता है वो पढ़ते हैं। इट हैपन्स ड्यू टू द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। जब बैक्टीरिया अपना काम करना शुरू कर देता है तो उसी की वजह से हमारा एनेमल खराब हो जाता है, दांत सड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, और जो ये बैक्टीरिया है ये कॉन्स्टेंटली फॉर्म्स ऑन द टिथ, दांत के ऊपर बनना शुरू हो जाता है। वेन वी ईट और ड्रिंक फूड कंटेनिंग शुगर्स, जब हम कोई भी खाना खाते हैं या कुछ भी चीज़ हम पीते हैं जिसके अंदर मीठा होता है, शुगर मिली हुई होती है, तो क्या होता है बेटा, जो ये बैक्टीरिया होते हैं ना ये उसी को क्या करते हैं? एसिड के रूप में बनाना शुरू कर देते हैं, मतलब वो जो खाना जो होता है उसको एसिड में बदल देते हैं, और फिर ये एसिड क्या करता है? टूथ एनेमल पे अटैक करता है।
दिस फॉर्म्स अ स्टिकी लेयर ऑफ बैक्टीरिया ऑन टूथ कॉल्ड प्लेक। अच्छा, अब ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये एक चिपचिपी सी लेयर बनाता है बैक्टीरिया की, कहाँ पर, दांत के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं प्लेग। दिस रिजल्ट्स इन टूथ डिके, और इसी की वजह से हमारा दांत सड़ जाता है, एंड द फॉर्मेशन ऑफ कैविटी, और कैविटीज बनना शुरू हो जाती हैं। द टूथ डिके गिव्स फॉल्स स्मेल फ्रॉम द माउथ। जब दांत सड़ता है तो क्या होता है, मुंह से गंदी स्मेल आने लग जाती है, एज द फूड पार्टिकल्स गेट स्ट्रक इन द कैविटीज, क्योंकि जो खाने के कुछ बचे हुए भाग होते हैं, जो खाना बच जाता है हमारे मुंह में, वो कहां पर जा करके चिपक जाता है, कैविटीज में। दिस ऑकर्स व्हेन टीथ्स आर नॉट क्लीन प्रॉपरली, तो ये तभी होता है बेटा जब हम अपने दांतों की प्रॉपर तरीके से सफाई नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं किस तरीके से हमें अपने दांतों की सफाई करनी चाहिए। दैट इज केयर ऑफ टीथ, We must take lot of care of teeth. तो देखिए, हमें अपने दांतों की बहुत अच्छे से देखभाल करनी चाहिए, और ज़्यादा देखभाल करनी चाहिए। We should keep our teeth healthy to protect from tooth decay. तो हमें अगर अपने दांतों को हेल्दी रखना है तो हमें उनको टूथ डिके से बचाना होगा। दांतों को सड़ने से बचाने के लिए हमें अपने दांतों को हेल्दी रखना पड़ेगा। We should keep in mind the following steps. चलिए अब हम देखते हैं कैसे हम अपने दांतों को स्वस्थ रख सकते हैं, साफ रख सकते हैं, उनकी देखभाल कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स दिए हैं, वो हमें अपने माइंड में रखने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है, ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, वंस इन द मॉर्निंग एंड वंस बिफोर गोइंग टू बेड। तो सबसे पहला पॉइंट लिखा है, हमें अपने दांतों को एक दिन में दो बार ब्रश करना चाहिए, एक बार सुबह और एक बार रात को सोने से पहले। नंबर टू, रिंस योर माउथ आफ्टर एवरी मील, हमें खाना खाने के बाद अपने मुंह को अच्छे तरीके से पानी से वॉश करना चाहिए। नेक्स्ट, अवॉइड वेरी हॉट एंड कोल्ड थिंग्स, हमें ज़्यादा गर्म या फिर ज़्यादा ठंडी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। अवॉइड टू मच ईटिंग ऑफ चॉकलेट्स एंड स्वीट्स, हमें ज़्यादा मीठी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, स्वीट्स नहीं लेनी चाहिए, और चॉकलेट्स भी हमें ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। टेक एक्स्ट्रा केयर टू रिंस द माउथ आफ्टर ईटिंग देम, और हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए, अगर हमने कभी भी चॉकलेट या स्वीट्स खाया है तो उसके बाद हमें तुरंत ही अपने मुँह को अच्छे से धोना चाहिए। यूज़ अ डेंटल फ्लॉस टू क्लीन बिटवीन टू टीथ, जो हमारे दो दांत होते हैं जो एक साथ टच होते हैं, उनके बीच की सफाई करने के लिए हमें डेंटल फ्लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि कुछ भी जो बचा कुचा भाग है वो बाहर निकलाए। विजिट योर डेंटिस्ट रेगुलरली फॉर चेकअप, और हमें टाइम टू टाइम पर अपने डेंटिस्ट के पास भी जाना चाहिए अपने दांतों की चेकिंग कराने के लिए, उनका ट्रीटमेंट के लिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, That is microbes. So what are microbes? Microbes are living organisms, very small in size that we cannot see by naked eyes. We can see the microbes only through an instrument called microscope. तो देखिए बच्चों, microbes क्या होते हैं? Microbes जीव जंतु होते हैं, ऐसे जीव जंतु जिनका size बहुत ज़्यादा छोटा है होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता है। इनको देखने के लिए हमें एक औजार की ज़रूरत होती है, एक instrument की ज़रूरत होती है, जिसको हम बोलते हैं microscope. ठीक है, अगर हमें माइक्रोब्स को देखना है तो हमें माइक्रोस्कोप की सहायता से उनको हम देख सकते हैं। माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर, माइक्रोब्स हर जगह पे मौजूद होते हैं, हवा में, पानी में, सॉइल में, एंड इवन हमारे घर में भी, और इवन हमारी बॉडी के अंदर भी। सम माइक्रोब्स आर यूजफुल फॉर अस व्हाइल सम आर हार्मफुल। अच्छा देखिए बच्चों, ये माइक्रोब्स जो होते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि सारे ही हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, कुछ माइक्रोब्स हमारे लिए यूज़फुल भी होते हैं। द माइक्रोब्स दैट कॉज डिजीजेज आर कॉल्ड जर्म्स, तो ऐसे माइक्रोब्स जो हमारे को बीमारियां फैलाते हैं उन्हें हम बोलते हैं जर्म्स। तो इनकी भी कुछ कैटेगरीज होती हैं, आइए पढ़ते हैं। देर आर फोर क्लासेज ऑफ माइक्रोब्स, सबसे पहला है वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बैक्टीरिया के बारे में। देयर आर डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया है वो अलग अलग शेप में हमें देखने को मिलते हैं। इनकी शेप क्या क्या होती है, रॉड शेप्ड, राउंड और स्पाइरल। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं हमारे लिए, नुकसानदायक होते हैं, और ये जो नुकसानदायक वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो बीमारियाँ फैलाते हैं, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड और कॉलेरा। अब हम पढ़ते हैं यूज़फुल बैक्टीरिया के बारे में। यूज़फुल बैक्टीरिया किस किस चीज़ के लिए काम में आते हैं, इनसे हम चीज़ बनाते हैं, योगर्ट बनाते हैं, बियर बनाते हैं और विनेगर भी बनाते हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया, कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए यूज़फुल होते हैं और कुछ बैक्टीरिया हार्मफुल भी होते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ वायरसेस। वायरस किसे कहते हैं, दीज आर द स्मॉलेस्ट माइक्रोब्स। तो देखो, हमने इतने सारे माइक्रोब्स की कैटेगरी पढ़ी, उनमें से सबसे छोटे जो माइक्रोब्स होते हैं वो होते हैं वायरस।
वायरस कॉज सम कॉमन डिजीज़, वायरस जो होते हैं कुछ कॉमन डिजीज़ फैलाते हैं, जैसे कि कॉमन कोल्ड, मतलब जैसे हमें खांसी जुकाम हो जाता है तो वो एक दूसरे से फैल जाता है ना हमें, तो वो वायरस के कारण होता है, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, चिकन पॉक्स एटसेट्रा। नेक्स्ट कैटेगरी है फंगाई। वट इज़ फंगाई? फंगाई यूजली ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग थिंग्स। जो फंगाई होता है वो कहाँ पर ग्रो करता है, इनकी बढ़ोतरी कहाँ पर होती है? जो मरी हुई चीज़ें होती हैं, जो सड़ी हुई चीज़ें होती हैं, उनके ऊपर फंगाई ग्रो करना शुरू कर देती है। सम फंगाई कॉज डिजीजेज सच एज रिंग वॉर्म एंड एथलीट्स फूट। कुछ फंगाई जो होते हैं वो बीमारियाँ फैलाते हैं, कुछ बीमारियों के नाम हैं जैसे कि रिंग वॉर्म है और एथलीट्स फूट है। सम ऑफ द फंगाई आर यूजफुल ऑल्सो। कुछ फंगाई हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं, लाभदायक भी होते हैं, जैसे कि ईस्ट। ईस्ट एक फंगस होता है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं ब्रेड बनाने के लिए। क्लियर? ब्रेड बनाने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? ईस्ट का। और ये ईस्ट क्या होता है? एक फंगस होता है। क्लियर? नेक्स्ट कैटेगरी है प्रोटोजोआ। सो व्हाट इज प्रोटोजोआ? ये सिंगल सेल्ड एनिमल्स होते हैं। सिंगल सेल्ड मतलब इनके अंदर सिर्फ एक ही सेल मौजूद होता है। सेल क्या होता है बच्चों? सेल जो होती है हमारी बॉडी की, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी इस बॉडी की सबसे छोटी यूनिट को सेल कहते हैं। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, बट जो प्रोटोजोआ होते हैं ये सिंगल सेल्ड एनिमल्स होते हैं, इनके अंदर सिर्फ एक ही सेल होता है। ये नॉर्मली हार्मलेस होते हैं, ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे होते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं, हार्मफुल होते हैं। दे कॉज डिजीजेज लाइक मलेरिया एंड डायसेंट्री। और जो हार्मफुल होते हैं प्रोटोजोआ, वो बीमारियाँ फैलाते हैं जैसे कि मलेरिया और डायसेंट्री। नाउ कम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज यूजफुल माइक्रोब्स। यूजफुल जो माइक्रोब्स होते हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। कुछ माइक्रोब्स हमारे लिए उपयोगी होते हैं और हम उनको इस्तेमाल करते हैं अलग अलग तरीके से। जान लेते हैं किन किन तरीकों से हम माइक्रोब्स का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला है, सम बैक्टीरिया हेल्प इन चेंजिंग द मिल्क इनटू कर्ड। अब देखिए, आप लोग देखते हैं रात के टाइम पे मम्मी क्या करती हैं, जो दूध होता है उसके अंदर हल्का सा जो है खट्टा दही हल्का सा लगाती है, और सुबह हम देखते हैं वो पूरा दूध जो है वो किसमें कन्वर्ट हुआ मिलता है, कर्ड के अंदर। ठीक है, तो इसका कर्ड बनाने का काम किसने किया? इसके अंदर एक बैक्टीरिया मौजूद होता है जिसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। ठीक है, वो क्या करता है, दूध को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। तो दही सबको अच्छी लगती है, तो देखो एक हमारे लिए यूजफुल कार्य किया ना बैक्टीरिया ने, तो इस प्रकार जो है बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं। नंबर टू, सम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन अवर इंटेस्टाइन हेल्प इन मेकिंग सम विटामिन। तो देखो बच्चों, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी इंटेस्टाइन में मौजूद होते हैं, जो कुछ विटामिन का बनाने में कार्य करते हैं। कुछ फंगाई होते हैं जैसे कि ईस्ट का हम यूज़ करते हैं ब्रेड बनाने के लिए, तो यहाँ पर फंगाई का भी यूज़ आ गया है। फंगाई इज़ ऑल्सो एन माइक्रोब। नेक्स्ट, माइक्रोब्स जो होते हैं वो डेड मैटर को यूजफुल सब्सटेंस में बदल देते हैं, जैसे कि मिट्टी को किस में कन्वर्ट करते हैं, फर्टाइल बना देते हैं मिट्टी को, और फर्टाइल मिट्टी जो है फसलों के लिए, पौधों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। माइक्रोब्स क्लीन द एनवायरनमेंट बाय ब्रेकिंग डाउन द वेस्ट मटेरियल इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। जो माइक्रोब्स होते हैं वो हमारे पर्यावरण को, हमारे आसपास जो है साफ सफाई रखते हैं। कैसे साफ सफाई रखते हैं? जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको सिंपलर फॉर्म में चेंज करके और वापस से इसको मिट्टी में कन्वर्ट कर देते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको चैप्टर समझ में आया होगा। दिस इज आवर चैप्टर। अगेन आपको इसको 2 से 3 बार पढ़ना है, फिर आपको ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। Thank you students, have a nice day.